नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ गौरी और फिट स्टार में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए अलग अलग डाइट प्लान फॉलो कर रहे होंगे, फिर वो डॉक्टर जुगन्ना दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल डाइट प्लान हो या 16/8 इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान हो। और बस इतना ही नहीं, एज पर डाइट प्लान आप फूड टाइमिंग्स और एक्सरसाइज को भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे होता है कि कुछ लोगों का वजन कम नहीं होता है या अटक जाता है। तो आज का वीडियो वेट लॉस डाइट से परेशान हुए हुए उन्हीं लोगों के लिए है। आप आज का वीडियो ठीक से पूरा देखिए और बताए हुए बस 5 टिप्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, आपका फास्ट वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है या अटक जा रहा है वहीं पे, तो वजन कम करने का पहला बेस्ट तरीका, आप आपके खाने से हिडन यानी छुपे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दीजिए। दोस्तों, भले आप राइस कम कीजिए या रोटी कम कीजिए, लेकिन आपके रोज के खाने में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भारी मात्रा में होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट का खाना। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले खाने की टेस्ट बढ़ाने के लिए MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और शुगर का यूज करते हैं, और इसी कारण से आपकी भिंडी की सब्जी हो या कोई दूसरी सब्जी हो, रेस्टोरेंट की टेस्ट जैसी टेस्ट घर पर नहीं बन सकती। सेम सब्जियां होकर भी उनके टेस्ट में फर्क होता है। अगर आप डाइट के सभी टाइमिंग्स भी फॉलो कर रहे होंगे और वेट लॉस के लिए सब कुछ प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बार रेगुलर अगर आप रेस्टोरेंट में बना हुआ खाना खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। आप ज्यादा से ज्यादा घर पर बना हुआ खाना खाइए। सो रूल नंबर 1, ईट होममेड हेल्दी फूड। वजन कम करने का दूसरा बेस्ट तरीका, आप आपके शरीर के एनर्जी को हाई लेवल पर बनाए रखें। अगर आप दिन भर टायर्ड फील करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय स्लो ही बना रहता है। स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण आपका वेट कम नहीं हो सकता। शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए एक तो आपको सफिशिएंट सोना पड़ेगा, और दूसरी चीज, बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए जरूरी होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके शरीर का आलस निकल जाता है और आपका स्टैमिना बढ़ता है। सो आवर सेकेंड रूल इज कीप योर एनर्जी लेवल एट हाई। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है या बीच में ही वेट लॉस रुक गया है, तो वजन कम करने का तीसरा बेस्ट तरीका, अगर आप डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो 2 मील्स के बीच में पानी और ग्रीन टी के अलावा कुछ भी मत पीजिए। अगर आप 3 मील्स वाला 16/8 इंटरमीडिएंट फास्टिंग डाइट फॉलो कर रहे हो, तो 3 मील्स के जगह 2 मील्स ही लीजिए और फास्टिंग पीरियड को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। सो अवर वेट लॉस रूल नंबर 3 इज नथिंग ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड। वजन कम करने का बेस्ट चौथा तरीका, आप आपके खाने में हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी ऑप्टिमम रखिए। दोस्तों, माना हेल्दी फैट्स लाइक एवोकाडो, नट्स, चीज, गाय का घी, कोकोनट ऑयल आपके वेट लॉस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने में बस हेल्दी फैट्स ही खाते रहे और प्रोटीन एंड फाइबर रिच चीजों को अवॉइड करें। आपको खाने में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आप खाने में फैट्स और इवन प्रोटीन्स का कंजप्शन ऑप्टिमम रखें और फाइबर रिच चीजें लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। आपको पूरी मुट्ठी भर के वॉलनट और बादाम खाने की जरूरत नहीं है। सो आवर वेट लॉस नंबर 4 इज ऑप्टिमम हेल्दी फैट्स। वजन कम करने का बेस्ट पांचवा और आखिरी तरीका, पर्सनल प्रॉब्लम्स और टेंशन को दूर करें और खुद को स्ट्रांग रखें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपका वजन ऐसे ही नहीं बढ़ता है, कुछ ना कुछ तो रीजन से बढ़ता है। आपके खाने की आदत चेंज ना होकर भी कुछ लोगों का वजन बढ़ता है, उसके पीछे आप लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वेट गेन या वजन कम ना होना, ये आपके उन प्रॉब्लम्स का आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं में मंथली पीरियड्स आते हैं, उस वक्त एस्ट्रोजन हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आपने तब प्राणायाम करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज्ड करना चाहिए। इवन आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी आपकी स्वास्थ्य संबंधित चीजें जिसमें आप मेडिकेशन लेते हो, उसे आपको कुछ ना कुछ करके ठीक करना होगा। मेडिकेशन भी एक बड़ा वेट गेन या वजन कम ना होने का कारण होता है। उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ की टेंशन, तकलीफें, इनकी वजह से भी आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो।
और कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से आपका वजन कम नहीं हो पाता। कोर्टिसोल और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप डेली 15 मिनट मेडिटेशन करिए, आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाएगा। इवन कुछ चीजों को आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सुबह कम से कम 2 ग्लास गर्म पानी और खाने में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलड की मात्रा बढ़ानी होगी। और कोई भी फ्रूट जूस पीने से अच्छा है पूरा फल खाइए, जिससे आपकी नेचुरल शुगर इंटेक कम होकर फाइबर ज्यादा मिलेगा। सो आवर वेट लॉस रूल नंबर 5 इज बी स्ट्रॉन्ग एंड फाइट विथ योर ओन प्रॉब्लम्स। दोस्तों बस इन 5 सिंपल वेट लॉस रूल्स को आप अच्छे से फॉलो कीजिए एंड फॉर श्योर आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।